आमची मुंबई मराठी मुंबई. सो डेफिनेटली सगळ्यात पहिल्यांदा आपण मराठी फिल्म्स मराठी फिल्म इंडस्ट्रीला आपण कसे विसरू शकणार. सो डेफिनेटली द फर्स्ट कॅटेगरी इज फॉर मराठी फिल्म. स्टँडिंग ओवेशन प्लीज वेलकम. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की तुम्ही मराठीची जी बेस्ट फिल्म आहे ती तुम्ही अनाउन्स करा प्लीज. तू इथं मी स्मिता तळकर अभिनंदन. हा पुरस्कार उत्कृष्ट चित्रपटासाठीचा अस्मिता चित्रपट दुसऱ्यांदा मिळतोय असा तो प्रत्येक चित्रपटाला मिळावा अशी माझी आशा आणि आशीर्वाद परिवाराचे मनापासून धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र. नेक्स्ट ऍक्टर अवॉर्ड मोहन जोशी तू इथे मी. या चित्रपटाची निर्मिती स्मिता तळवळकर यांनी केली. याचे लेखक शन्ना नवरे, दिग्दर्शक संजय सुरकर आणि कॅमेरामन हरीश जोशी, माझ्याबरोबरचे सहकलाकार, या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो. त्यांच्यामुळेच हे अवॉर्ड मला मिळालं आहे. थँक्यू. हमारी और एक परंपरा है जो मेरे ख्याल से आशीर्वाद अवार्ड्स ही आशीर्वाद अवार्ड्स की स्पेशल परंपरा है ये कि आते हुए नए नए कलाकारों को नौजवान कलाकारों को तो हर एक अवार्ड सम्मानित करता है लेकिन हम उन कलाकारों को सम्मानित करते हैं जो ये साउंड लाइट्स कैमरा एक्शन की दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वह आज भी हमारे दिलों दिमाग पर छाए हुए हैं. जी हाँ, हमारी परंपरा है नवरत्न अवार्ड्स की. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गूंज उठी शहनाई मेरे महबूब तुमसा नहीं देखा में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली वही कमसीन सी भोली सी अमिता जी. वाह, तालियां. Grateful to the organization of Ashirwad that they have given us an opportunity to come here and it is nice to be remembered. Thank you. Maa ke role mein bhi wo kaafi sundar lagi aur khaas taur se Shobhna Samar ji ke baad अगर सीता के रूप में कोई जची हैं तो बस वही हैं. मैं बात कर रही हूँ श्रीमती जयश्री गडकर जी की. मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूँगी और उनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी कि मिस पूनम नरूला और शमा केसावत जी यहाँ पर आए. पूनम नरूला एंड शमा केसावत प्लीज कम ऑन द स्टेज. नमस्कार. नमस्कार. आज का ये सम्मान मुझे दिया गया है काफी सम्मान आपकी दुआ से आपके आशीर्वाद से इस छोटे से आर्टिस्ट को मिला है. आज का आशीर्वाद लास्ट ईयर भी दिया था और लेकिन खास आज इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि नवरत्न में से एक रत्न करके मुझे चुना गया इसलिए आशीर्वाद को लिए मैं बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. और एक बात कहना चाहती हूँ, सीता का रोल तो मैंने कई बार किया लेकिन आजकल मैं जानी पहचानी जाती हूँ
रामायण की कौशल्या, तो कौशल्या के रूप में आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आज तक नहीं भूले होंगे। थैंक यू वेरी मच। मुबारक बेगम जी अगर हैं हमारे बीच में तो आए प्लीज, हमारी अगली नवरत्न है वो। सबसे पहले तो मैं मतलब उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस एजाज से नवाजा। शकील साहब का एक शेर है, शोला बकफ है जिंदगी अमनो अमां की खैर हो, शोला बकफ है जिंदगी अमनो अमां की खैर हो, मिल के दुआएं मांगिए सारे जहां की खैर हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत की दुनिया से एक महान कलाकार आपके सामने पेश करूं, शोभा गुर्तू जी, प्लीज वेलकम शोभा गुर्तू जी। और मैं चाहूंगा कि इनको सम्मान देने के लिए कल्पना अय्यर जी मंच पर आए और अनीता कमल जी। मैं मनाती रही सैया रूठ गए, शाम जाने लगे मैं बुलाती रही सैया रूठ गए, सैया रूठ गए मैं मनाती रही सैया रूठ गए। अरे बारी है हमारे अगले नवरत्न की और वो है बिंदु जी, प्लीज वेलकम बिंदु जी ऑन द स्टेज जी। मैं सबसे पहले आशीर्वाद फिल्म्स एंड टीवी अवार्ड्स के आज 20 साल पूरे हुए और 21वें साल में कदम रखा है, तो मैं डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहे और सब कलाकारों को जो नए उभरते कलाकार हैं, जो हम जैसे कुछ इंडिकेट्स हो गए हैं फिर भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, तो ये अवार्ड से हम लोगों को बहुत ही हौसला अफजाई मिलती है। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट टू आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बिंदु जी। थैंक यू। Thank you very much Gajendra ji, Kashmira, thanks a lot. Thank you Bindu ji. Okay, and now I would like to invite Jayashree T ji. Ashutosh Rana ji. Kavajit sahab and Ashutosh Rana ji, please come on the stage. पहले आप सबको मेरी नमस्ते, अपना सराना माजा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कला की तपस्या की बिना किसी फल की आशा है, लेकिन आज ये आशीर्वाद रूपी अवार्ड मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मिस्टर वाजपेयी और आशीर्वाद अवार्ड्स के सभी मेंबरों की शुक्रगुजार हूँ, आप सबकी आभारी हूँ। Thank you very much.
थैंक यू आशुतोष, थैंक यू जय श्री कृष्ण।